Hi friends, I am back with a new video and today's video is the question answer video from chapter A Treat for Mosquitoes, chapter 8. So friends, let's get started. Question number 1. How did you find that you have malaria? आपको कैसे पता चलता है कि आपको मलेरिया है? Answer. It was found by blood test. ये खून के जांच के द्वारा पता चलता है कि हमें मलेरिया है. हमारे खून में मलेरिया के कीटाणु दिखा देते हैं, उससे पता चलता है कि हमें मलेरिया है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट प्रॉब्लम हैव ऑन हैविंग मलेरिया? जब हमें मलेरिया होता है तो हमें कौन-कौन सी दिक्कतें होती हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम होती है? आंसर. हाई फीवर. द फीवर केम विद बाउट्स ऑफ शिवरिंग. हमें तेज बुखार होता है और जो बुखार है वो ठंड लग करके आता है. जब मलेरिया होता है तो जब हमें पहले ठंड लगता है उसके बाद से फीवर चढ़ जाता है तेज से. ये मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं? आंसर. फॉलोइंग आर सम अदर डिजीजेस व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट. ऐसी कुछ यहां पे बीमारियां बताई गई हैं जो कि मच्छर के काटने से होती हैं. फर्स्ट है डेंगू. डेंगू जो है वो मच्छर के ही काटने से होता है और डेंगू जो है वो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है. सेकंड है चिकनगुनिया. चिकनगुनिया जो होता है वो भी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है. और थर्ड है फाइलेरिया. फाइलेरिया जो है वो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मच्छर के काटने से होता है. इसमें अलग-अलग मच्छर होते हैं जो कि अलग-अलग बीमारी फैलाते हैं. ऐसे मलेरिया है, मलेरिया भी जो है वो एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज यानी कि मादा एनोफिलीज के काटने से होता है मलेरिया. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हिच सीजन मलेरिया इज मोर कॉमन. जो मलेरिया बीमारी होती है वो कौन से सीजन में सबसे ज्यादा कॉमन होती है, उस सीजन में ज्यादा मलेरिया होता है? आंसर. मलेरिया इज मोर कॉमन रेनी सीजन. मलेरिया जो है वो बरसात के समय में ज्यादा होता है, ज्यादा फैलता है. मॉस्किटोज गेट सुटेबल एनवायरनमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मच्छरों को उनके अनुकूल वातावरण मिलता है जिसमें वो अपना अंडा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा मच्छर पैदा होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं, मलेरिया फैलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया. जब एनीमिया होता है तो कौन-कौन सी दिक्कतें होती हैं बच्चों को या बड़ों को, जो जिसको भी? आंसर. एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन. एनीमिया जब होता है तो वो बच्चों को दोनों तरीके से अफेक्ट करता है, दोनों तरीके से वो असर डालता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, शारीरिक भी और मानसिक भी. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपर्ली एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर डाउन. जब बच्चे को एनीमिया होता है तो वो पूरी तरह से जो बच्चा है वो ग्रो नहीं कर पाता है, बढ़ता नहीं है अच्छे से और उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो जो फुर्ती से वो उसकी फुर्ती भी कम हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 6. हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल. क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप होता है? आंसर. यस, देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माय स्कूल. हमारे स्कूल में हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 7. नेम सम फूड आइटम्स व्हिच कंटेन आयरन. ऐसे कुछ खाने की चीजें बताइए जिसमें कि आयरन होता है. आंसर. फूड आइटम्स दैट कंटेन आयरन आर ऐसे फूड ऐसे खाने की चीजें जिसमें आयरन होता है वो है लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पिनच, पालक, लेटस सैलेड एंड कैबेज, पत्ता गोभी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डू यू थिंक अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक. आप ऐसा क्या सोचते हैं कि फिश को पानी के टैंक में डाला जाए? व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट. आपको क्या लगता है कि फिश क्या खा सकती है? आंसर. पुटिंग फिश इन द टैंक बिकॉज़ द फिश ईट लार्वा ऑफ मॉस्किटो. मछलियों को पानी के टैंक में डालने से क्या होता है कि मछलियां जो होती है वो मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनको खा लेती हैं और जब मच्छर के लार्वा ही नहीं रहेंगे तो मच्छर कहां से आएंगे और जब मच्छर नहीं आएंगे तो बीमारी नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर. क्या होता है जब पानी में तेल को डाल दिया जाता है तो मिट्टी का तेल, वो कहते हैं ना कि मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं. आंसर. द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वा ऑफ मॉस्किटोज एंड दस दे आर किल्ड. जब हम पानी में मिट्टी का तेल यानी कि तेल डालते हैं तो तेल की जो एक थिन फिल्म, एक पतली लेयर जो है पानी के ऊपर आ जाती है जो कि ऑक्सीजन को रोकती है अंडे और लार्वा तक पहुंचाने में. मच्छरों के अंडे और लार्वा तक ऑक्सीजन नहीं जाने देती है, इसी की वजह से जो है वो उनके अंडे और मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच डिजीज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ. कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मक्खियों के द्वारा फैलती हैं और कैसे? आंसर. फॉलोइंग डिजीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज. कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि मक्खियों से फैलती हैं. डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, ईटीसी. ये सारी बीमारियां जो है वो मक्खियों से फैलती हैं.
When a fly sits on contaminated material, harmful germs stick to its leg. जब कोई भी मक्खी दूषित चीजों पे दूषित जगहों पे बैठती है तो जो खतरनाक जो कीटाणु होते हैं वो उनके पैरों में चिपक जाते हैं. When the same fly sits on food, the germs get transferred to the food. और जब वही सेम जो मक्खी होती है वो जब खाने की चीज़ों पे बैठती है, हमारे खाने में बैठती है, तो जो वो कीटाणु होते हैं, खतरनाक कीटाणु, वो खाने में आ जाते हैं, उनके पैरों से ट्रांसफ़र हो जाते हैं खाने में. दस अ फ्लाई स्प्रेड्स वेरियस डिजीजेस. यही वजह है कि इसी तरीके से मक्खियाँ जो होती हैं वो बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं. क्वेश्चन नंबर 11. हु इज सपोज टू गेट द गटर्स रिपेयर्ड. किसकी जिम्मेदारी होती है नालियों को साफ करने की. आंसर, द म्युनिसिपैलिटी इज सपोज टू गेट द गटर्स रिपेयर्ड एंड क्लीन. जो म्युनिसिपैलिटी होती है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो नालियों को रिपेयर करें, उनको अच्छे से रखें और उनकी साफ सफाई करवा के रखें. लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. कैन एनी लार्वा बी सीन इन द गटर. क्या कोई भी मच्छर के लार्वा नालियों में नजर आते हैं. आंसर, यस, मेनी लार्वा बी सीन इन द गटर्स. बहुत सारे मच्छरों के लार्वा जो होते हैं वो गटर्स में दिखाई देते हैं, दिखते हैं. इसीलिए हमेशा नालियों को साफ करके रखना चाहिए. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चैप्टर 8 ख़त्म होता है. चैप्टर 9 के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए प्लीज़. थैंक यू फ्रेंड्स.